सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नायला आब्दी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रीड्स स्कूल एंड कॉलेज। एपिसोड सेवन, एपिसोड सेवन के बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस एक्साइटमेंट की वजह यह है कि आज के गेस्ट यूसुफ बशीर कुरैशी, टॉपिक इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। यूसुफ बशीर कुरैशी साहब से बहुत साल पहले मैं मिली थी। एक उन्होंने हमारे लिए बड़ा कमाल काम किया था, एक स्कूल के ओकेजन में तशरीफ लाए थे। उस वक्त जब हमने यूसुफ साहब को देखा तो सोचा कि एक शख्स इस सोसाइटी में रहते हुए इतना डिफरेंट सकता है, चाहे ड्रेसिंग का मामला हो, चाहे बात करने का मामला हो, चाहे प्रोटोकॉल का मामला हो। एक साहब आते हैं एक बड़ी अच्छी सी पर्सनालिटी के साथ, तशरीफ लाते हैं स्टेज पे, उनके लिए कुर्सी सोफा सब रखा है, वो कहते हैं हटाइए जी ये क्या चीजें हैं, और जमीन पे तशरीफ रखते हैं और बच्चों से करना शुरू करते हैं बातें। और बातें ऐसी कि क्लास 9 से लेके क्लास 8 लेवल का बच्चा सिर्फ सुन रहा है और बहुत खुश है। उसके बाद उन्होंने बच्चों ने बहुत दफा कहा कि मिस फिर बुला लीजिए, बस कुछ मौका नहीं मिल सका। सोचा आज यूसुफ साहब से ऑनलाइन गुफ्तगू की जाए ताकि सिर्फ चंद बच्चे नहीं बहुत सारे लोग देख सकें। यूसुफ साहब वाईबी के नाम से ज्यादा मशहूर है, ड्रेस डिजाइनिंग हो, रबाब बजाना हो, शायरी पढ़ना हो या इंस्पिरेशनल बातें करना हो। यूसुफ बशीर कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म सो लेट इन द नाइट। सॉरी फॉर टेकिंग अवे योर फैमिली टाइम। लेकिन इंडिविजुअलिटी, मैं अभी इन लोगों से पूछी थी कि इस इंडिविजुअल को उर्दू में क्या भाई कहते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को, और आपको मशहूर ममनून भाई, इतना इतना तवील और इतना फ्लैटरिंग आपने मेरा नॉट एट ऑल फ्लैटरिंग, वेरी रियल, मैं बहुत कम फ्लैटरिंग होती हूँ। सर फरमाइएगा, आपकी अपनी कंप्लीट शख्सियत एक बहुत इंस्पायरिंग है। आपको देख के इंस्पिरेशन आती है कि यार हम दुनिया में बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, और इतनी सारी चीजों के साथ आप अपने मुंह से कहते हैं जी ज्यादा तालीम हासिल नहीं है, इससे ज्यादा तालीम होती तो बड़ा मसला हो जाता। सो बताएं कैसे ये इनफरादियत कैसे कायम है इस माशरे के अंदर। देखिए, इंफरादियत तो रोजाना ही बदलती है। रोजाना एक नया शख्स पैदा होता है, उसकी नई ताकत होती है, नया खून होता है, नई सोच होती है, नया सांस होता है, तो रोजाना इंसान नया बनता है। अभी हम पे क्या, हम अपने आप को कितनी जल्दी पहचानते हैं, हम कैसे बदल रहे हैं, और उस तब्दीली से लोगों को कितना फायदा हो रहा है। जितना वक्त हमारे यहाँ लग रहा है इस दुनिया में, इससे लोगों को फायदा होना चाहिए। फायदा होगा तो हमें फायदा है, यही इक्वेशन मुझे समझ आती है। ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है यूसुफ साहब, बिकॉज थ्रू दिस इक्वेशन ओनली कैन वी बी द कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी। हाउएवर, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स के हिसाब से बहुत दफा अगर हम अपने आसपास देखें तो लोग अपने आप को अकोमोडेट करते हैं, बजाय इसके कि अपनी इंडिविजुअलिटी को साथ रखते हुए चलें, लोग उसको अकोमोडेट करते हैं किस हद तक। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं अपनी उम्र की किसी बुजुर्ग खातून की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक 16-17 साल के बच्चे की या नौजवान की, जो अपनी आप को सिर्फ इसलिए अडाप्ट करता है, इसलिए चेंज करता है क्योंकि उसे लगता है कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या करे वो क्या उसे चेंज कर लेना चाहिए या क्या उसे अपने आप को उस तरह से रखना चाहिए? देखिए, बात सुने, सोसाइटी तो हमेशा से शुरू से लगी ना, हमें मोल्ड करना है, ऐसा मोल्ड जैसे कि वो हमें देखना चाहे। जिस मोल्ड में अभी हम पैदा हुए थे, हमें तो पता ही नहीं था ना, या तो किसी ने अजान दी, या किसी ने घंटी बजाई, किसी ने बैप्टाइज किया, तो बच्चा उसी उसी का हो गया, तो जिसने प्यार दिया और जिसने बताया, बच्चा उसी का हो गया। तो अ पर्सनैलिटी इज देन यू नो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, और बच्चों का ये है, हाँ जी, बहुत प्रेशर होता है।
और किसी हद तक होना भी चाहिए, क्योंकि वो सही में वरना मोटिवेशन कैसे होगी। तो मैं उनको ये नहीं कहता कि दिस इज नॉट रियल, बिल्कुल ठीक हो जाओ, एक्सपीरियंस करो। अगर उसमें आपको गम एक्सपीरियंस हो रहा है, दुख एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आप एक्सपीरियंस करें उस चीज को, फील इट, बट डू नॉट बिकम इट, अंडरस्टैंड इट, अडैप्ट इट एंड वॉक विद इट। हमें इतना डराया गया कि हम इतने डर गए कि हम खुद अपने आप से डर गए, और जिस चीज से भी डराया वो झूठ था, इट वॉज नॉट ट्रू। टेक्नोलॉजी की अपनी मर्जी होती है, बाज़ दफ़ा हम इंसान टेक्नोलॉजी के हाथों मजबूर हो जाते हैं। इसी वजह से अल्लाह मियाँ ने हमें और अशरफुल मखलूकात बनाया है। इस वक्त हम यूसुफ साहब को नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। एक्चुअली यूसुफ साहब हैं भी नहीं इस वक्त, कराची में शहर से बाहर हैं और हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जैसे ही हम इस ग्लिच को ओवरकम करते हैं, वी कम बैक एंड टॉक टू यू, कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। मेरा सवाल यूसुफ साहब से ये था कि किस तरीके से हम अपनी शख्सियत को बरकरार रखते हुए इस सोसाइटी के अंदर अपना मुकाम पैदा कर सकते हैं। बहुत दफा सोसाइटी की ख्वाहिश हमसे बात करने की, हमें अपने अंदर अडाप्ट करने की होती है। हम जिंदगी में आगे चलते हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम ये लोगों से अपने पर्सपेक्टिव से बात करना शुरू करते हैं, वो पर्सपेक्टिव्स लोग चेंज कराना चाहते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए था, यूं नहीं कहना चाहिए था, फला शख्स को बुरा लग जाएगा, बजाय ये कहने के कि इस बात को कहने का तरीका कुछ और हो सकता था, इस बात को आगे ले जाकर बात करने का तरीका कुछ और हो सकता था। अपने लहजे पे हम कंट्रोल कर, लेकिन अपनी बात को कह दें। अपनी बात कहने के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए। हम बिल्कुल, ये बात मैं एक तालीमी शोबे से ताल्लुक रखते हुए ये बात बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करती कि बच्चे को डिसिप्लिन नहीं करना चाहिए, बच्चों को बताना नहीं चाहिए सही क्या है और गलत क्या है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अलाउ आवर चिल्ड्रन टू बी एबल टू वॉइस देयर फीलिंग, टू बी एबल टू डू थिंग्स द वे दे वॉन्ट टू डू। एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्स को हम उनके हाथों से हटा देते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है। आज की इस गुफ्तगू में हम यूसुफ साहब के साथ शामिल इसलिए होना चाहते थे कि आप में से जो लोग उनको जानते हैं, आप ये देखेंगे कि वो एक बिल्कुल डिफरेंट शख्सियत रखते हैं। जितने लोग इंस्पायर करते हैं हमें, वो जनरली बड़े डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं, फिर वो हमें क्यों इंस्पायर करते हैं? हम उन जैसा बनना चाहते हैं, बन नहीं पाते, शायद डरते हैं। डरते इसलिए कि मैं ये कह दूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं ऐसा कह दूंगी तो शायद लोग मुझे मजाक का निशाना बना दें। मोस्ट ऑफ द टाइम द स्केयर इन अस, मोस्ट ऑफ द टाइम द फीलिंग दैट वी हैव दैट वी विल नॉट बी एक्सेप्टेड, दिस इज व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट टुडे, दिस इज व्हाट वी वांट टू एक्सप्लोर कि क्या मुकाम है एक इंडिविजुअल का इस कंप्लीट सोसाइटी में। जब हम वर्ड सोसाइटी यूज करते हैं तो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर कंट्री, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ होल सिनेरियो, द ग्लोबल सोसाइटी। आज हम सब पेंडेमिक के साथ जी रहे हैं, हमारे पास उसकी जितनी चेंजेस आने चाहती हैं, उसमें हम जितनी अडेप्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, हम उन सारी चीजों के ऊपर बहुत क्लियरली अपना एक स्टांस रखते हैं। लेकिन इस स्टांस पे बात करते हुए हम डरते हैं कि कहीं हमारी बात किसी को बुरी ना लग जाए।
आपको लगता है कि कोई चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, उस पर बात करने में, उसकी एक्सेप्टेंसेस के लिए उन पे हमें बात करनी पड़ेगी. लेट्स थिंक अबाउट, जब तक यूसुफ साहब वापस हमारे साथ डिजिटली कनेक्ट होते हैं, तब तक आप मुझे बर्दाश्त कीजिए. हर हफ्ते मैं लोगों से आपकी मुलाकात करवाती हूँ, आज कुछ अपनी बातें आपसे शेयर करना चाहूंगी. एक बच्चा जब इस माशरे में आता है, जब पैदा होता है घर के अंदर, वो अपनी एक शख्सियत लेकर आता है, उसकी अपना मिजाज होता है, उसका अपना तरीका कार होता है. उस तरीके कार के ऊपर हम बहुत दफा बहुत जगहों पर हिंड्रेंसेस पैदा कर देते हैं, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज रिलेटिव्स, एज पीपल अराउंड अस, एंड वी ट्राई टू इंश्योर दैट वो बच्चा वो बनकर निकले जो हम चाहते हैं. इन सारी चीजों को देखते हुए वी नीड टू वर्क ऑन अ वेरी स्पेशल वे ऑफ इंश्योरिंग कि वो लोग जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, कौन है वो जिनसे हम इंस्पायर होते हैं? नेशनल हीरोज से हम इंस्पायर होते हैं. देखिए, उनकी कुछ खास इंडिविजुअलिटीज होती है. हम अपने स्पोर्ट्स के लोगों से बहुत इंस्पायर होते हैं और हम कहते हैं कि भाई ये बड़ा कमाल खेलते हैं, तो कमाल खेलने के लिए कुछ कमाल किया होगा उन्होंने, अपनी शख्सियत के अंदर उस खास चीजों को रखा होगा. इस बात करने का मकसद बिल्कुल हरगिज ये नहीं है कि हम सोसाइटी के नॉर्म से बिल्कुल हट जाएं. कुछ नॉर्म्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, लेकिन अपनी शख्सियत को अपनी जगह रखना है, अपने लिबास को बहुत हद तक सोसाइटी से अलग ना कर दें, लेकिन अगर कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं पहनना, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं करना, तो एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं. अगर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे नहीं है तो कर सकते हैं. सब्जेक्ट चॉइसेस हैं, इंडिविजुअल चॉइसेस होती हैं. इंडिविजुअल चॉइसेस के अंदर अगर हम उन चीज़ों को देखते हुए चलें कि हम किस तरीके से काम करते हैं, हम किस तरीके से चीज़ों के साथ चलते हैं, तो आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा मसला है. सब्जेक्ट चॉइसेस हैं. आप अभी तक बच्चे से कहते हैं साइंसेस पढ़िए, क्योंकि सोसाइटी की एक्सेप्टेंस है. वो इंडिविजुअल है ना, उसे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है. मैं हर दफा इसी कुर्सी पे बैठकर इन दो खूबसूरत परों के बीच में बैठती हूँ. मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये पर मुझे एक एहसास देते हैं, अगर मैं उड़ना चाहूँ तो मैं उड़ सकती हूँ. ये उड़ने का एहसास मुझे उस वक्त भी होता था बचपन में, कि जब मुझे लगता था कि मुझे जहाज में सफर करना है, मुझे जहाज में उड़ना है. खैर, आजकल जहाज में उड़ने का तसव्वुर थोड़ा सा खतरनाक लगता है, लेकिन वो तो फिर अल्लाह की मर्जी है. आपको जब जहाँ जाना है आप वहां जाएंगे. लेकिन इन चीजों के साथ जब हम काम करते हैं, जब हम अपनी इंडिविजुअल फीलिंग्स को लेकर चलते हैं, वो इंडिविजुअलिटी हमारी नहीं खत्म होनी चाहिए, हमारी शख्सियत का एहसास हमारी जिंदगी से खत्म नहीं होना चाहिए. यूसुफ साहब के साथ आज इस सेशन करने का मकसद भी यही है कि वो हमें उन बातों के बारे में बड़ी अच्छे और बड़े अलग तरीके से बताते हैं, जो जिस तरीके से हमें चीजों पे सोचने के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है. एक इंडिविजुअल जरूरी नहीं है कि वो लीडर हो, वो फॉलोअर भी हो सकता है. लेट हिम बी अ फॉलोअर, क्या मसला है? अगर सारे लीडर्स बन जाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, फिर नेशन कहाँ जाएगी, फिर कौम कहाँ जाएगी, हम सब कहाँ जाएंगे. लेकिन कम से कम शख्सियत को उड़ने की इजाजत तो दीजिए. अच्छा लगता है जब एहसास होता है कि अगर ये काम हम अपनी मर्जी से करेंगे तो हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा. 10:30 बजे रात को हर हफ्ते के दिन अपने दो टेक सपोर्ट को तंग करते हुए मुझे ये काम करना होता है, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है. अब मेरी उम्र में ये ख्वाहिश बड़ी आसान है, किसने मना करना है, किसने डांट लगानी है. लेकिन बात जब बच्चों की आती है, बात जब यंगस्टर्स की आती है, वाई Do we want them to be part of the crowd? क्या है शख्सियत में अलग खड़े होने में? Can we stand completely alone? यूसुफ साहब हमारे साथ एक दफा फिर जुड़ेंगे, I think कुछ seconds में हम फिर आपको यूसुफ साहब की बहुत ज्यादा बहुत inspiring गुफ्तगू की तरफ ले जाएंगे. Technical फॉल्ट पेन हमारे हाथ में नहीं है. आई थिंक यूसुफ साहब हमारे साथ वापस हैं. यूसुफ साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं. हाँ जी,
Can you see me now? जी, आई कैन हेयर यू यूसुफ साहब. आप नहीं थे तो मुझे मौका मिल गया कुछ अपनी बातें करने का. सो यूसुफ साहब, हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल की जगह इस सोसाइटी में. जब हमें टेक्नोलॉजी ने कहा, थोड़ा सा आपने आलात पर शुरू में बात की थी, तो वो नाराज है आपसे और मुझसे. सो सर, फरमाइएगा जो बात आप कर रहे थे. लेट्स कंटिन्यू विद दैट. देखिए, आलात तो एक चीज है ना, हमारी जो थ्रू आउट कंडीशनिंग हुई है, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि हमें डराया गया, जिस चीज से डराया वो सच नहीं था. चाहे वो काली माई हो, चाहे वो काला बाबा हो, चाहे वो दोजख हो, चाहे गुनाह हो, और अल्टीमेटली उन्होंने हमें खुदा से डराया दिया. जिस चीज से आपको डराया जाता है उससे तो हम दूर रहते हैं ना. जब पता लगा खुदा हमारे अंदर है तो हम खुद अपने आप से दूर. हमें इसीलिए तो जिंदगी मिली ताकि हम ढूंढें उसमें अपने आप को, इन तमाम तरह सारी गलतियां करें, उनसे सीखें. लेकिन मेन चीज ये है कि हमारी नीयत ही होनी चाहिए कि हमारी किसी गलती से किसी दूसरे को और खुद हम को तकलीफ ना हो, क्योंकि हम भी अमानत हैं, हम भी एक बहुत प्यारी किरण की अमानत हैं. तो हमें अपना भी लिहाज करना और दूसरे का भी लिहाज करना. तो इतने रूल्स एंड रेगुलेशन, जितनी चीज़ें बनी, कुछ बिजनेसेस थे लेकिन कुछ मकसद थे. तो जब वो थोड़े से, मैं बोलता हूँ, जब उस्ताद से ज्यादा उस्तादियाँ हो गई तो ये प्रॉब्लम हो जाए. तो मैंने तो अपना बहुत कुछ अपना ज्यादातर स्टूडेंट से ही सीखा, क्योंकि उनके ऐसे ऐसे सवाल होते थे जिन्हें मैंने कहीं पढ़े होते थे ना सुने होते थे, लेकिन जब वो सवाल करते थे तो उनके जवाब मैं ढूंढता था खुद अपने में. एक स्टेटमेंट पे मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी हम ज्यादा बात कर पाए. हमें अल्लाह से डराया गया बचपन में. मौलाना साहब कहते थे ऐसे नहीं करना, अल्लाह मियां नाराज हो जाएगा. अम्मी भी कहती थी देखो रोजा नहीं छोड़ना है, अल्लाह मियां नाराज हो जाएगा. हम अगर ज्यादातर काम डर से करते हैं तो डर से तो काम मोहब्बत से नहीं किया जा सकता. सो क्या किया जाए कि अल्लाह से करीब हो जाएं, क्योंकि अल्लाह हमारे अंदर है तो फिर अपने आप से करीब हो जाएं. हमारे अपनी जो हमें अपने से मोहब्बत उसी वक्त होगी ना जब हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे. कैसे करें, क्या करें इस पे? देखिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए तो पहले खुद तक तो पहुंचे. मैंने ये बोला कि प्यार यार से, से और खुद खुदा से. ये लिंक है. आप अपने आप को ढूंढें, अपने तमाम पर सलाहियतों को देखें. खुदा ने आपको बहुत शान से अपना सांस दिया है. आई मीन ही शेयर्ड हिज ब्रेथ विद यू, ही चोज यू. कितने लोग बने, सोचें कितने लोग बने, पहाड़ बने, क्या क्या चीजें हुई, दरिया थी. और ये हमारे सिर्फ इस अर्थ की, हमें जो पिछले कई सौ साल की डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में बताओ, उससे पहले कितने सौ साल, कितनी सौ सदियां भी, कितने और इस तरह की यूनिवर्सिटी थे. और उसमें आप देखें, एक आप हैं और एक मैं हूँ, हम दोनों की हाथ की लकीरें तक नहीं मिलती. इतनी बारीकी से हर एक चीज बनाई. तो आई मीन कम ऑन, दिस यू नो इट्स नॉट जस्ट मीनिंगलेस. सो वी हैव सच ह्यूज इम्पोर्टेंस इन सच ग्रेटनेस. सो वी आर बाउंड टू बी ग्रेट. हमने सिर्फ अपनी नीयतें देखी हैं, और नीयतें खराब होती हैं जब डर लगता है. तो डरने से बचना है. लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर डर बुरा नहीं. इस तरह इंसान को डर जरूरी भी है, डर नेचुरल है. मैं अगर अंधेरे में बैठूंगे पीछे से आगे भाव कर दू तो क्यों इंसान को डर लग जाता है. तो नेचुरल ये चीज है, हो पाता है और आना चाहिए, क्योंकि ये डर बचाव है आपको. ये आपको बचाता है उन चीजें करने से जिससे दुनिया को नुकसान पहुंचे, जिससे आपको नुकसान पहुंचे. तीनों आपको डर है ना, आप रोड के बीच गाड़ी मारेगी, ये डर आपको बचाता है. डर हमने अपने बचाव के लिए करना, अपने घिराव के लिए नहीं करना. Do not let the fear occupy you.
हाँ ये डर तो सही है ना, क्योंकि अगर हम ये डर नहीं रखेंगे तो बच्चा अपना हाथ जला लेगा, बड़ा गाड़ी को टक्कर मार देगा क्योंकि फिर ख्याल किए बगैर चलाएंगे। लेकिन ये डर लिहाज तो खत्म हो जाएगा, लिहाज खत्म हो जाएगा, लिहाज इज लिहाज, एवरी। बिल्कुल लिहाज खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां बात डर की ये होगी, जहां पर हमारी शख्सियत का पूरा एक जो अल्लाह ने बना कर भेजी है वो खत्म हो जाएगी, वो डर तो फिर अच्छा नहीं होगा ना यूसुफ साहब। देखिए ये तो चीजें दरियाफ्त करने के लिए, इसीलिए आपको जिंदगी मिली और उसमें आपको मुख्तलिफ, आपको कहानी ऐसी मजार हमारी दिखती है, किसी को इंडिया में फेंका, किसी को पाकिस्तान में, किसी को अमरीका में, किसी को युगांडा में, ऐसे मुख्तलिफ जगह लोग लोग डाल दिए हैं और कोई भी चीज़ रैंडम भी नहीं गई, हर चीज़ मकसद से गई। एक प्लान था, सोचिए कितना बड़ा मास्टर प्लान था, कितनी सौ सदियां गुजर गई और मास्टर प्लान चल रहा है, और इससे पहले क्या थी हमें पता नहीं, तो अभी रिसेंट का ही हमें पता नहीं। तो इतना जब हमें उससे बनाया गया तो हैज़ टू बी समथिंग, इस तरह की निचोड़ होना है। तो वही हमें ये पूरी जिंदगी मिलती है ताकि हम अपने आप, खुद अपने आप के बारे में दरियाफ्त करें कि हमें तो भेड़ चाल की तरह कोई इस तरह खींच रहा है, कोई उस तरह खींच रहा है, कोई अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है, कोई जिए भुट्टो का नारा लगा रहा है, कोई किसी को नया पाकिस्तान का नारा लगा रहा है, तो हमें तो मुख्तलिफ जगहों पर लोग खींच रहे हैं। तो हमने देखना है कि हमारी सलाहियत क्या है और उससे हमने किस तरह लोगों को जोड़ना है ताकि वो बेनिफिट कर सकें एक दूसरे से। मुझे तो अभी तक जो मकसद है हयात समझ आया ना, ये पैसा, बिजनेस, ये सारी चीजें ये बहाने हैं इंसान को इंसान से मिलाने के, यहाँ तक कि वॉर भी, जंग भी इंसान को इंसान से मिलाने का तरीका है। आप देखें वॉर के बाद जो लोग गाजी भी वापस आते हैं ना, उनके दिल बिल्कुल चूरम चूर होते हैं, अगर उनने किसी की जान को दुख पहुंचाया होता है ना, तो उनका दिल बहुत गमजदा होता है। आप देखें इराक वॉर में अमेरिकन इतने सच्चे लोग हैं, वो तो देखें गरीब कैसे बाहर आए, उन्होंने आके बताया कि हमें बहुत दुख है जो हमने किया, जो हमसे हुआ। तो कॉन्स्टेंटली वी हैव टू बी अवेयर, ये हमें नमाज दी गई, ये बहुत जबरदस्त तोहफा था टू कीप अस अवेयर एंड ऑन टोज ऑल द टाइम। लेकिन नमाज, लोग मेरे पास बहुत से आते हैं तो नमाज की बात करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि नमाज जो है ना एक बहुत जबरदस्त टूल है, जिसने मशीन बनाई उसी ने ये नमाज हमें पहुँचाई। और मेरे पास ज़्यादातर एक्टर्स वगैरह हमारे बहुत दोस्त हैं, तो वो आते हैं बोलते हैं कोई एक्सरसाइज बताएं, मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, नमाज पढ़नी शुरू करते हैं। बोले तो क्या मतलब है, मैंने देखो स्क्रिप्ट तुम्हें मिली है, फॉल्ट टाइम तुम्हें पता है, एक्सेंट डायलॉग तुम्हें पता है, कोरियोग्राफी हुई हुई है, आपकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हुआ हुआ है, कॉस्ट्यूम रेफरेंस है कम से कम आपके पास, उसके अलावा यू हैव टू बी, पता है कि यू हैव टू, आपके कान खुले हैं और आंख खुली है, दैट मीन्स यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट योर सराउंडिंग इज बट नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। And it's a performance in front of an audience you cannot see. So if you can perfect your namaz, you perfect your awareness. How better can you act? What If and you what act well, are given to you will us? perform better. Yes, and that I think is So, the best example of how God loves us, क्योंकि हर चीज अल्लाह ने हमें बता दी और कह दी कि अच्छा इससे ज्यादा अच्छी आपकी जिस्म की एक्सरसाइज नहीं हो सकती थी, आपकी हेल्थ की एक्सरसाइज नहीं हो सकती थी, आपकी क्लेनलीनेस की नहीं हो सकती थी। सो हम अगर ये चीजों को अपनी सराउंडिंग्स की, आपने अभी बात की यूसुफ साहब, सराउंडिंग हमारी हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, उस इफेक्ट को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर जाती है सराउंडिंग्स। एसी नहीं चलेगा, पसीना आएगा, इरिटेशन हो जाएगी, आपका दिल नहीं चाहेगा बात करने का, आप कहेंगे क्या मुश्किल है भाई, काल आके बचा दिया। अगर आप आगे चलते हैं, आप किसी और चीज को देखते हैं, लोग शोर मचा रहे हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, क्लास के अंदर हम खड़े हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना छोड़ देंगे, कैसे करें इस इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर कम से कम इफेक्ट हो कि हमारी शख्सियत के ऊपर, हमारी बिहेवियर के ऊपर? देखिए जी आपके ऊपर है, आप अपने आप को कितना कंडीशन होने देना चाह रहे हैं।
क्योंकि जितनी कंडीशनिंग होगी उतना खुद से दूर होंगे. इट इज योर चॉइस हाउ मच यू लव योर सेल्फ, हाउ मच यू हैव रिगार्ड फॉर योर सेल्फ. यू नो हाउ डू यू वॉन्ट टू थैंक योर लॉर्ड, यू नो सेइंग कि जी आपने इतना अशरफुल मखलूकात पैदा किया जिसके आपने, मैं भी रात को बैठा हूँ मुझे खुशबू आ रही है, कैन यू बिलीव दैट, ये रात की रानी लगी है, यू नो नाइट जैस्मिन, मुझे इसकी खुशबू आ रही है. इट इज कौन यार खुशबू का इंतजाम करते हैं, इस वीराने में बैठे जंगल में बैठे और मेरी खुशबू का भी इंतजाम किया, मुझे सांस दी. आई मीन कम ऑन, यू हैव टू टेक, यू हैव टू फॉलो इन लव विद योरसेल्फ. लुक हाउ ब्यूटीफुली यू बीन कार्व्ड. सो वी नीड टू बी थैंकफुल एंड वंस यू आर थैंकफुल. हाँ देखिए बात सुनिए, एसी के साथ हमारी कंडीशनिंग होगी ना, हम छोटे थे तो पेप्सी की बोतल मिलती थी ना, बहुत बड़ी चीज होती थी. ओह माय गॉड पेप्सी की बोतल है, शादियों में जाते इसलिए थे, आइसक्रीम खाते थे और पेप्सी की बोतल मिलती थी, तो वो हमारी कंडीशनिंग थी. बाद में हम लोग मुख्तलिफ चीज़ों पे कंडीशन हो गए. ये आपके ऊपर है, रमजान में छोड़ देते हैं ना सबको रिकंडीशन होने के लिए. सो इफ यू कैन डू दैट फॉर 8 hours, इट इज योर चॉइस. यू नो इफ यू डू नॉट वांट टू क्विट समथिंग, it is because you don't want it. You can give 100 justifications. I can give justification for murder, for rape, anyone can. So don't go into justification because aap apne aap ko mazid apne andar uljha denge. So lajne ke liye aaye hain, uljha denge. So choice is the most imperative thing here. Bahut ahem hai hamari personal choices. Ke agar mujhe एसी इस वक्त मौजूद ना हो, लाइट चली जाए, जनरेटर पर एसी अगर ना चले तो ठीक है, टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल करके काम चलाया जा सकता है. लेकिन यूसुफ साहब मसला अब यहाँ पर यह आता है, ये बात मैं समझती हूँ, आप समझते हैं, एक बच्चा जब इन चीज़ों के साथ उनको देखते हुए बड़ा हो रहा होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं. फ्रेंड का ग्रेड आ गया, ए आ गया, मेरा सी आ गया, अब क्या करूँ, अब मेरे लिए तो बेइज्जती की बात हो जाएगी. अम्मा बाप भी घर में बड़ा तंग कर रहे हैं कि जी भाई के बच्चे के तो मेरे इतने कोई एज आ गए थे और तुम नहीं लेकर आए, मेरी बेइज्जती करा दी. अब ये चीजें तो उसको इफेक्ट कर रही है ना, ये उसकी शख्सियत को तो मजरूह कर रही है. क्या किस तरह से हल होगा इन मसारे मसारे का? ये बच्चों की परेशानी है, बड़ों की परेशानी है जो इन्होंने बच्चों पे लाद दी. ये माँ बाप बच्चों को इतना स्ट्रेस कर देते हैं, उस्ताद ही स्ट्रेस कर देते हैं. नहीं भाई, बच्चों को स्ट्रेस नहीं करना इस तरह, इनको तो हम तो यू नीड टू बी देयर स्ट्रेस रिलीफ एट दिस टाइम. इट्स देयर टाइम दैट दे आर प्राइम इन देयर एनर्जीज, you know, with everything that God has given them, their strengths. You know, what we need to do is we need to start working on their intentions. We need to start telling them how important they are, how important they are for us, and how important they are for this whole creation and for themselves as well. ये तो हमने इनको बताना है. भाई मैथ में तो फेल हो रहा है तो कोई दूसरी चीज देख यार, इट्स ओके. स्कूल नहीं जाना तो घर पे तो पढ़ो यार, कोई स्किल सेट सीख लो. अभी अभी के अमीर बाप का बेटा बोले मुझे वेल्डिंग करनी है, उनका तो तबीयत खराब हो जाए. सही बात है. यू नो ये चौधरी का बेटा बोले मुझे हजाम बनना है, तो घर से निकाल दें, फिर हमारी आना की बात आ जाती है. हम लोग भाई स्ट्रेस में ना डालें इन बच्चों को, देखें तो सही इनकी ताकतें क्या हैं. वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद दीज चिल्ड्रन, तो फिर वो हमें यू नो दे गो इनटू ड्रग्स, दे गो इनटू डिप्रेशन, दे गो इनटू सुसाइडल मोड्स. ऑफ कोर्स दे विल, वी हैव नॉट गिवन देम एनी चॉइस. पेरेंट्स नीड टू कम्युनिकेट, टीचर्स नीड टू कम्युनिकेट. यू नो एक उस्ताद का दर्जा खुदा ने बाप का दिया. मैं एक बाप हूँ, खुदा ना करे मेरी औलाद को कुछ पिन भी लगेगी, मुझे ज्यादा तकलीफ होगी, खुदा की कसम. इतना बड़ा रुतबा कैसे मिल गया एक उस्ताद को? एक उस्ताद को ये रुतबा उस वक्त मिलता है जब वो अपने स्टूडेंट की जो ताकत है उसको पहचाने. सबसे पहले उसको पहचानना है अपने, तब वो उस्ताद बनता है. और उसके बाद, और ख़त्म नहीं उसकी अभी तक उसका काम, और उसके बाद उस सलाहियत को पॉलिश करे तो वो उस्ताद कहलाते हैं, तब उसको उसका उस बाप का दर्जा मिलता है. तो अंडरस्टैंड इट इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. टीचर्स कैन नॉट यू नो अपने 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 स्टूडेंट्स की वीकनेसेस देख के या उनकी वो चीज़ देख के उसको एक्सप्लॉइट करें.
क्योंकि टीचर्स बेचारों की भी कोचिंग नहीं हो रही। हम बड़ों को देखिए, हम बच्चों को समझाने पे हैं, बड़ों को नहीं समझा रहे। इन उस्तादों को कौन समझा रहे हैं, मुझ जैसों को कौन समझा रहे हैं? भाई हमें भी समझने की जरूरत है। तो हमें कभी कभार, जिनकी हमारी गाड़ियां सफेद हो जाती हैं, तो हम लोगों को अपनी ईगो साइड पे रख के इन बच्चों की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमसे ज्यादा सच्चे हैं। और स्पेशली दिस जनरेशन, बिकॉज दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, इन्होंने, आपने कोई बात बोली ना, गप मारी, तो उन्होंने जाके गूगल कर लेनी उसी वक्त, आपको बता देंगे साहब कि आपने कितना सच्चा और कितना झूठा। दे विल क्वेश्चन एवरीथिंग, एंड द रीजन दैट द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन करता है वो सच्चा होता है। ये बच्चे सच्चे हैं, इनको हम सच्चा रहने दें, हम लोग इनको बिल्कुल मोल्ड करने की कोशिश ना करें। ये जैसे हैं हमसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोगों ने इनको गाइड जरूर करना है। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी कैन नॉट लेट गो ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईदर। वी नीड टू अंडरस्टैंड देम एंड कम्युनिकेट विद देम। एज अडल्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। और जब हम बात करते हैं टीचर्स की, टीचिंग तो बड़ा कोई ऐसा पेशा है ना जिसको हम आसान नहीं ले सकते। पैगंबरों का पेशा कहलाता है, इसको, इस पेशे को नहीं ले सकते आसान। यूसुफ साहब, आपने कहा बच्चे को स्ट्रेस नहीं करें, पेरेंट्स को, टीचर्स को कैसे समझाया जाएगा कि जिंदगी में हर चीज ग्रेड नहीं होते, कुछ चीजें ग्रेड से बढ़कर होती है। बच्चे की सुकून, जहनी सुकून, दिल का सुकून बहुत अहम है। कैसे समझाएं बच्चों को, बड़ों को ये बात? बच्चे तो समझ जाते हैं, आपने कहा बच्चा गूगल कर लेता है, बच्चा फिर भी लिहाज रखता है, आपकी बात को जानता है कि आपने गलत कहा है, आपके मुंह पे शायद आकर नहीं कहेगा कि आप क्या बात कर रही हैं, आप पता नहीं कहाँ से कोई कहानियां सुना रही हैं हमें। वो खामोशी से कहेगा, अच्छा यार चलो ठीक है, खैर। लेकिन हम बड़ों को कैसे समझाएं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत सीरियस लेना शुरू कर दीजिए, गाइडेंस आपका काम है, कैसे समझाएंगे सर? मेरे जैसे बूढ़े लोग जो नहीं समझना चाहते, उनको लगता है कि बस हमने इतने साल गुजार लिए इस प्रोफेशन में, अब सब कुछ आ जाता है, सीखना तो नहीं छोड़ सकते। कैसे बताएं बड़ों को कि सीखना नहीं छोड़ना है? ठीक है, पहले तो आप बूढ़ी नहीं है और एज नहीं पता ना, और मैं आपको बूढ़ा समझता हूं। और दूसरी चीज ये कि देखिए, आपके बच्चे आपका लिहाज करें अगर आपसे बात नहीं कर रहे जी। दुआ करें कि ये नौबत ना आए कि वो बदतमीजी पे आ जाए, कि लिहाज खत्म हो जाए। और बच्चों को भी मैं यही बात कहूंगा कि आप प्लीज लिहाज ना छोड़िएगा। हक छूट सकता है, लिहाज नहीं छूट सकता। तो लिहाज बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा लोग ये, इसका कोई दूसरा मतलब ना ले लें, द रीजन व्हाई आई सेड हक के बारे में कि है अनल हक, हक पर कहनी ना थी। यार की महफिल से बाहर, यार की महफिल की बात। तो हक वहाँ नहीं कहना चाहिए जहाँ लोगों को समझ ना आए, लेकिन लिहाज हर जगह लाजम। तो आपके पेरेंट्स अगर कहीं गलत भी हैं तो आपने लिहाज उनका करना है, आपके उस असातिज़ा गलत भी हैं तो आपने लिहाज करना है। हम लोग एक्चुअली अगले के रिएक्शन का इंतजार कर रहे होते हैं कि जैसा उसका रिएक्शन होगा ना, उसके ऊपर मैं एक्शन करूंगा। सो व्हाट इट डज इज, यू नो, यू आर लेटिंग गो ऑफ योर पर्सनैलिटी, यू डिपेंडेंट ऑन समवन एल्सस रिएक्शन सो दैट यू कैन एक्ट। हम लोगों को, इन बच्चों को भी लिहाज करना है, हमेशा करना है। पेरेंट्स गलत भी हों, जो भी हों, हैं पेरेंट्स, उन्होंने आपके साथ जुल्म भी किया, जो भी किया हो। कोई ऐसे वाकयात हैं जो बहुत सीरियस एलिगेशन या कुछ हैं, उसके लिए कोर्ट्स हैं, उसके लिए कचहरियाँ हैं, उसके लिए सोशल, यू नो, बहुत सारे वो हैं, हेल्पलाइंस हैं, वन कैन गो दैट, इंडिविजुअल्स हैं, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, टीचर, बहुत से लोग हैं उनके पास हेल्प के लिए जा सकते हैं। लेकिन अदर देन दैट, अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का बहुत लिहाज करें। तो ऐसी उम्र में होंगे, पता नहीं किस स्ट्रेस में होंगे, और पता नहीं, एंड दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। सो यू नीड टू, यू आर स्मार्टर देन अस, सो फिगर आउट वेज दैट यू कैन कम्युनिकेट विद अस विदाउट द वायलेंस, विदाउट द ड्रग्स, विदाउट द डिप्रेशन, विदाउट द थ्रेट्स। बिकॉज पेरेंट्स, अगेन, यू नो, दे फ्रेजाइल,
आप बच्चे ब्लैकमेल करते हैं, कभी बोलते हैं हम सुसाइड कर लेंगे, कभी वो ओवरडोज कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं. तो डोंट डू दैट टू योर पेरेंट्स. यू टेकिंग देयर लाइफ अवे फ्रॉम देम. प्लीज किड्स, हूएवर इज लिसनिंग, डू नॉट डू दैट टू अ मदर, डू नॉट डू दैट टू अ फादर. Because it is the most painful thing of, you know, a parent can you know, would go through. So please never threaten your parents, because it is very painful. You know, unke aage awaaz na uthaye, you know, unko gaali nahi de, unse unchi alfaaz mein unke saath rehm dili kare. Wo agar aapke saath rehm nahi kar rahe na, to bhi aap zarur rehm kare unke saath, kyunki ye aapke liye achha hai, आपके आगे वालों के लिए अच्छा है. तो ये मेरी दोनों से ही दरखास्त होगी. देखिए ताली और ये वो कल्चरल नॉर्म्स हैं या ट्रेडिशंस हैं जो हमें हमारे बड़ों से मिलते हैं, और आई थिंक इन ट्रेडिशंस ही के साथ अगर हम रहते हैं तो हमारी शख्सियत काफी हद तक निखर कर सामने आती है. क्योंकि कुछ चीजें हैं जो एक खाम को कुंदन बनाती है, और उसी कुंदन के लेवल पर हमने जाना होता है. एक और भी चीज है, कुछ पर्सनल चॉइसेस होती हैं, जैसे बच्चों की होती हैं या बड़ों की भी होती हैं, लेकिन वो पर्सनल चॉइसेस शायद फैमिली के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती है. आपने कहा कि एक जमींदार का बच्चा अगर कहता है कि जी मुझे हजाम बनना है तो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये तो एक बड़ा ड्रास्टिक सी बात है. लेकिन अगर एक घर में जहाँ पे माँ और बाप दोनों डॉक्टर्स हैं या किसी और पेशे से हैं, वो बच्चा म्यूजिशियन बनना चाहता है. Yes. We have to see them from their eyes, because their vision might be different than ours, and it's not necessary that they see how you see. It is not important. It is important that whatever they see is just, and just help them, guide them, you know, do not instruct them, because if you instruct them, you'll destruct them. आप उनको बिल्कुल तोड़ देंगे और खुद भी टूट जाएंगे. तो बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बोथ नीड टू कम्युनिकेट एंड फाइंड वेज टू कम्युनिकेट एंड फाइंड पीसफुल वेज टू कम्युनिकेट. तो जो भी है, बैठ के बात करें वालिद से, जितना भी डर लगता हो, जितनी भी जान जाती हो, वालिद जाके बात करें और बहुत आजीजी से बात करें. बोले वाल साहब, आपने जो बात की, मैं आपकी बात से जो आप कहें, जिस तरह आप कहें उसी तरह, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों मैं ये ना करूंगा. जब बड़ा हूं तो मैं रिग्रेट करूँ, सोचूं कि मैंने एक चीज़ क्यों नहीं ट्राई की. और देखें, जो उनके डर हैं, जो उनके फियर्स हैं, लेट दोस यू नो एड्रेस दोस फियर्स इन फ्रंट ऑफ देम. यस, यू आर नॉट लेटिंग योर किड्स गो इन टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और इन द आर्ट. There is reason. आप देखे तो सही, artists have not been the ideal, you know, moral, you know, family people. So yes, parents are afraid. They should be afraid. So I need to be that moral example. No? I need to create that moral example, and these children need to tell their parents that we will be that example. Trust in us, and then do not betray their trust. मुझे क्या चाहिए. हाउ टू डिस्कवर वन सेल्फ, व्हाट डू वी डू. देखें जी, बिफोर you are made to only discover yourself, not the other. The other is only there to help you discover who you are. So the other is important, but you are the most, because you have to inquire about yourself. Dusra jab khada hota hai samne, wo dusra isliye na, wo dusra mein batata hai ki hum kitne acche hain, hum kitne bure hain, hum kitne dost aur kitne dushman. लेकिन ये तो हम है ना, कि दोस्त हैं कि दुश्मन है, ये तो हमने खुद तस्वीर करना ना अपने बारे में. और दोस्त में कैसा होता हूँ और दुश्मन में कैसा होता हूँ, हम जो दोस्त बना रहे होते हैं
क्यों बना रहे होते हैं, किस लिए बना रहे होते हैं। कई तो सिर्फ प्यारे लगते हैं, कई से काम होते हैं, कुछ के साथ कारोबार होता है और फिर प्यार होते हैं। तो इस किस्म की चीजें दास्तानें चलती रहती हैं, ये चीजें हमें जोड़े रखती हैं। तो दीज आर थिंग्स दैट कनेक्ट अस, दे आर अ पार्ट ऑफ अस। तो हमने इसी तरह ये सारी चीजें लेनी है और जुड़ जाना है, अपने आप को तस्खीर करना है इसी में, खुद अपने में, लोगों से, बट नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड। अपने आप से सवाल करना कितना मुश्किल है, अपने आप से सवाल करना उतना मुश्किल है जितना आईना देखना। आईना देखो ना और दुनिया की सबसे खूबसूरत चेहरा नजर ना आए ना, तो जान लो किसी दूसरे की निगाह से देखती। लेकिन ये भी जान लो कि वो खूबसूरती देखने के लिए सिर्फ आप ही की निगाह बनी थी। ये माँ भी उस तरह नहीं देख सकती जिस तरह से आप अपने आप को देखते हो। तो जब अपनी नाक पसंद ना आए, अपना चेहरा या अपने बालों का रंग पसंद ना आए, तो समझ लो किसी दूसरे की नजर से देखते हो। ठीक है, कभी कभार दूसरे को बहलाने के लिए हम दाढ़ी की खत भी बना लेते हैं, काजल भी लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, करना है। ये प्यार का इजहार है, मुख्तलिफ तरीके हैं, जितने ज्यादा तरीके से कर सके उतना बेहतर है। ये अपने आप को तस्खीर करना है ना, कोई सजा के करता है, कोई गा के करता है, कोई बता के करता है, कोई दिखा के करता है। तो ये तो मुख्तलिफ अंदाज हैं, इट इज पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। कीप डिस्कवरिंग योरसेल्फ, हाउ यू कैन एक्सप्रेस लव, and that's what living life is. The journey that we have of self-discovery is very, very difficult. अपने आप को discover करना is perhaps the most difficult task. आपने कहा आईने के सामने खड़े हो और चेहरा जो है वो खूबसूरत ना नजर आए तो लोग समझ लो कि कोई और देख रहे हैं। जाहिर है कि जिसने तकलीफ किया है ऊपर से उसने नाक बनाते हुए ये सोचा था कि यही नाक किस चेहरे पर अच्छी लगती है, कोई और नाक किस चेहरे पर नहीं अच्छी लगती। लेकिन ये जो जर्नी है ना सेल्फ डिस्कवरी की, ये थोड़ी मुश्किल है। बड़े लोग बहुत सारे रूमी कर गए, बहुत सारे लोग करके, कुछ तो तरीका होगा कि हम भी कुछ हद तक अपनी इस डिस्कवरी को, इस जर्नी को पे पहला कदम बढ़ाएं। बात सुने, अगर मुश्किल होती तो ये जितने बुजुर्ग थे ना शुक्र में ना जाते, ये सब शुक्र करते गए, इनसे जाके पूछते थे ना खैर से जो, और इनके दरबार पे जितने बैठे हैं उनसे भी जाके पूछे सब खैर है, भूखा बिल्कुल सर्दी में पड़ा होगा बाहर रोड के ऊपर, उसको उठा के पूछे बाबा खैर में हो, बोले बहुत करम मालिक का, पंचन पाक की खैर हो, नारा लगाएगा। तो बात सुनिए, सब शुक्र में गए। तो डू नॉट थिंक के इट इज अ डिफिकल्ट जर्नी, यू स्टार्ट थिंक इट हैज टू बी एन इंस्पायरिंग जर्नी। हाउ डू यू स्टार्ट योर ट्रिप when you go on a vacation? Do you start with yaar ye hotel ka kamra kharab hona hai aur bathroom leak ho raha hoga aur tub saaf nahi hoga aur garam pani nahi aa raha hoga aur phone nahi chal raha hoga aur bed mein machhar honge? We don't start with that na, we start with good hopes, and even when bad things happen we still have good hopes for the next hotel or the next day or the next day, that this will pass. Treat your life like your last vacation. Ye aapki aakhri chutti hai in this body. So enjoy it to the maximum. Stretch yourself, and there's no age. There is, if you're breathing, that means the work's not done. There's still that you need to do. Still, people need to benefit from you. That's why you're here. Gratitude actually is someone's benefiting from you. That's why you're here. The day you are not able to benefit, the day you'll be taken away. So, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था शुक्र का, कि जो जितने हमारे पहले बुजुर्ग थे जो चले गए और अभी भी जिनको हम लफ्ज मलंग इस्तेमाल करते हैं उनका जो एक बड़ा प्यारा सा होता है, अल्लाह ने सब खैर रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मौला का, पंजतन ने हमें बड़ा करम के साथ बड़ी अच्छी जगह रखा है। तो यूसुफ साहब, शुक्र का कलमा अदा करने से शायद सेल्फ डिस्कवरी की बिगनिंग होती है।
होप के साथ सेल्फ डिस्कवरी की बिगनिंग होती है, जैसे आपने कहा कि जब मैं जर्नी पे निकलती हूँ तो मेरी ख्वाहिश से ज्यादा मेरी उम्मीद ये होती है कि मैं जब यहाँ से दूसरी जगह पहुंचूंगी तो बड़ी खूबसूरत चीजें होंगी। हमारे इर्द गिर्द ये जो तशक्कुर का एहसास है वो कुछ कम होता जा रहा है। हम जब शुरू में बात कर रहे थे तो आपने कहा कि एहसास नहीं मरना चाहिए, हम दूर हैं एक दूसरे से, हम मशीनों के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन एहसास नहीं खत्म होना चाहिए। उस एहसास में बड़ी चीजें आती हैं। हमारे बुजुर्ग हमेशा एक शुक्र का कलमे का इस्तेमाल करते थे, वो अल्लाह के लिए भी होता था, वो अपने साथ के लोगों के लिए भी होता था। आपको लगता है ये कुछ कम होता जा रहा है अब हमारे माशरे से, हमारे अंदर से? कम तो नहीं होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि हम तो हमें तो खुदा का सांस है ना, वो कम कैसे हो सकता है, वो तो है ही इतना। तो मेरा ख्याल है उसका इजहार कम हो रहा है। इजहार कम, हाँ, एहसास नहीं कम हो रहा, इजहार कम हो रहा है। और इजहार करने के हर इंसान का अपना तरीका होता है ना इजहार करने का। मैंने कहा कि पहले भी मैंने कहा कि हम लाइक हम सब प्यार करते हैं लेकिन सबके करने के तरीके और, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग हमसे उसी तरह प्यार करें जिस तरह हम उनसे करते हैं। इस तरह आपकी तरह कोई प्यार कर नहीं सकता भाई, तो एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी तरह कोई प्यार करे। आपकी माँ भी आपको आपकी तरह प्यार नहीं कर सकती, नहीं कर सकते ना। ये प्यार सिर्फ आप ही को दिया और आप ही के लिए दिया है। तो मैं कहता हूँ सिर्फ अपने आप को प्यार करना शुरू कर दो तो यू नो यू विल बी इन अ लॉट बेटर प्लेस। यूसुफ साहब एक सवाल है, वो पूछती हैं हमसे कि सोसाइटी के प्रेशर्स, हमने इस पर भी बात की है, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर्स का क्या करें जो हमारे आसपास है और हमें दबाते चले जाते हैं कि इसको इस तरह से करो, उसको क्या करें, किस तरीके से सोसाइटी के प्रेशर्स को कम करना शुरू करें? आपके पास आर्टिस्ट कम्यून में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सोसाइटी का प्रेशर आपने तो अपने आप से बहुत दूर रखा हुआ है। आपने एक बहुत खूबसूरत जगह बनाई है जहाँ बैठ कर सोसाइटी का बहुत प्रेशर है, लेकिन जब मीटर फिरता है ना तो सास को भी सुना देते हैं समझ आई। तो ये प्रेशर हमने अपने ऊपर खुद लिए हुए हैं। ज्यादातर ये हमारी अना का मसला होता है, हमने कपड़े इसलिए पहनने, हमने गाड़ी वो रखनी है या घड़ी वो पहननी है या उससे दोस्ती करनी है या फलाना करना है या कोई बिजनेस करना है, ये उनको दिखाने भी करते हैं जो हमारे बारे में जो अच्छा ज्यादा बारे सोचते भी नहीं है। अफसोस की बात तो ये है, तो सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं है। मेरे वाले मुझसे अक्सर पूछते थे जब मैं हम लोग साथ चल रहे थे, मुझे गाड़ी अरे दूर चलो मुझसे, मैंने क्यों, फिर लोग समझेंगे साथ में, मैंने कहा मैं साथ ही क्यों आपके, कहते तुम्हें अजीब सा नहीं लगता तुम जा रही थी सर धोती में कुत्ते में, लोग तुम्हें देख रहे, मैं कह लोग देखते हो तुम, बोला तुम नहीं देख, मैं क्या, मैं तो खुद अपने आप को देख रहे होते हैं, तुम्हें तो लोग नजर ही नहीं आते yourself, बाबा। देखें आप इसका ये मतलब नहीं आप बाहर गली में नंगे फिरना शुरू हो जाए, नहीं, हर जगह का एक लिहाज है। हाँ मेरा एक लिहाज है, अपने लिहाज में मेरी सतह ढकी हुई है, हाँ मैं पट्टा बांधता हूँ, मेरी नीचे टेढ़ियाँ में धोती पहनता हूँ, ये सम फनी लुकिंग गाय वॉक्स अराउंड एंड पीपल विल बी अम्यूज्ड और दे विल स्टॉप एंड दे विल लुक टुवर्ड मी, सो आई शुड बी अवेयर, आई कैन नॉट लुक लाइक दिस एंड वॉक इन पब्लिक एंड पीपल नॉट स्टेयर एट मी, आई हैव टू बी अवेयर, इफ आई चूज टू मेक दिस डिसीजन देन इफ आई एम वॉकिंग आउट ऑन द स्ट्रीट और लोग मुझे देख के मजाक उड़ाएं या हंसें या घूरें तो मुझे उनके साथ लड़ना नहीं है, मुझे उनको प्यार से सलाम करना है ताकि वो मुझे मेरे करीब आएं और मुझसे बात करें और फिर मुझे, और ज्यादा दफा क्या होता है मेरी आना हो अगर और कोई मुझे देख रहा हो, मतलब क्या देख रहे हो भाई, अपने गार्ड को बोलो पकड़ो उसको जाके, मुझे क्या देख रहे हैं, इज अ थ्रेट टू मी, ही इज थ्रेटनिंग मी, एक डरे हुए आदमी का काम है। कोई मुझे देख रहा हो मैं उसको सलाम करूँ ना, वो मुझे चाहे ना चाहे मुझे वाकई दुआ देगा, मुझे वालेकुम सलाम कहेगा, मुझे सलामती की दुआ मुझ पर देगा। अगर मुझे नुकसान पहुँचाने भी आ रहे हैं ना तो रसूल सल्लम ने कितनी ज़बरदस्त सुन्नत दे दी सलाम की, कोई तुम्हें देख रहा है उसको सलाम कर दो भाई,
90% ऑफ टाइम जहां झगड़ा होना होता है दोस्ती हो जाती है, और ऐसी दोस्ती जो सदा बाहर रहे। तो जब आपको यू हैव टू बी अवेयर, सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं, आपका जो दिल किया आपने किया। ये मैं आपको बताऊं, जो प्रोफेशन है आपकी मर्जी से, अगर आप चाहते हैं तो आप नहीं करते। तो जो कहते हैं कि जी मैंने, हाँ कई लोगों के साथ बाकी मजबूरी होती है, बच्चों की जबरदस्ती शादियां हो जाती है और इतना ज्यादा स्ट्रेस कर देते हैं बच्चों को कि भाई प्री मेड में जाना और फलाने स्कूल में जाना और फलाने स्कूल में जाना, कि बच्चे बाकी हो जाते हैं उस तरह। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव आवर फ्री विल टू डू व्हाटएवर वी डिजायर। कभी रो धो के, कभी जिद करके, कभी खाना ना खा के, कभी यही बच्चे थ्रेट करके माँ बाप को अपने बात मनवा लेते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट दैट, अंडरस्टैंड। तो सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह डील करते हैं। इफ यू डूइंग समथिंग डिफरेंट, अंडरस्टैंड दैट पीपल विल लुक एट यू, पीपल विल मेक फन ऑफ यू, बट इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, इफ यू बिलीव इट, इट डज नॉट लुक बैड, योर आईज कैन सी इट ना, देयर आईज कैन नॉट सी इट, but your lips can turn and your tongue can turn and say something that will unite them with you, and they will see past through this dhoti and past through this patka, and they'll see a human being who is caring, and that's our connection. So stop taking this pressure from society. You become a society. We ourselves are, I think, pressurizing ourselves more than the society is. Pressure तो हमारा है ना कि हम बाहर निकले हैं तो लोग हमें देखेंगे, अगर मेरे बाल सफेद हैं तो मुझे काले सिर्फ इसलिए करने हैं कि लोग ना सब क्वेश्चन करना शुरू कर दें, या अगर मुझे किसी ने देखा तो मुझे उससे लड़ना है। बहुत प्यारी बात की यूसुफ साहब आपने कि लोगों से लड़ने की जगह अगर उनके घूरने पर हम उन्हें सलाम कर लें, हम उनसे प्यार से बात कर लें, तो सामने वाला बेख्याल हो जाता है आपसे उसी तरीके से प्यार से बात करने के लिए। दुआ देगा 100% दुआ देगा 100%। सो इंडिविजुअल इस सोसाइटी में अहम है, अपनी शख्सियत को रखना, उसको संवारना अहम है, और उस सोसाइटी शख्सियत के साथ इस सोसाइटी को जिसमें हम रह रहे हैं, जिसने हमें इतना सपोर्ट किया है, उस सोसाइटी में हमें वापस जो कुछ करना है, वॉट एवर वी गिव इट बैक शुड बी कंस्ट्रक्टिव। हमारी शख्सियत से सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से शायद हमारी शख्सियत नहीं बनती। आपका क्या ख्याल है? देखिए, हमारी बहुत सी परछाइयां मुख्तलिफ जगहों पे हैं, हमें सारी चुननी है, ठीक है, और पार्ट्स बिलोंग इन डिफरेंट प्लेसेस, दैट्स व्हाट स्पाइसेस अप आवर लाइफ। सो वी नीड टू एंजॉय ऑल ऑफ अस, the good and the bad and the ill and the well. So हम लोगों को तो अपनी अपनी तमाम तक जो भी हमारी हैं, कहीं नवा क्या कहीं मिर्चे भाई, वो सब हम हैं। तो अपने डेवल्स के साथ भी दोस्ती कर लें, ताकि उसको भी आप राह रास्त ले आए। डेवल एक ताकतवर चीज है, and that is you also, and that is me also, that is part of us also. What we need to do, and the devil has the strength. We need to befriend the devil so that we can use the strength to do good, to unite instead of dividing. You have the strength, you know, to kill and cut. We decide not to. Befriend the devil so that we can use its strength to do the good in this society. Yusuf Saab, thank you so much. Took that time out, and I took that time out so that we can use this strength. The strength can be used in something else. Na abhi hum kisi ki burai karte hain, kuch karte nahi. Humne aisi cheez ki jisse hame laga ki hum ek behtar insaan hain, aur hamari baat se kisi ko behtri ya kisi ko raah mil jaye, aur hame uska aur hame hame pata bhi nahi hai wo kaun hai. Ek belos cheez thi, एक अच्छी चीज बताई लोगों को जोड़ने के लिए, जिसमें हमारा कोई गर्ज नहीं था। ना मुझे नजर तालियां आ रही हैं, ना मुझे कुछ आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता है क्या मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही है।
और आप ही से हो रही है, और वही बातें हो रही, कोई ना लिखी हुई थी ना सुनी थी आपने बात की, और वो ऐसी लगी उससे जवाब फौरन आए। सो इंसान ढोल है एक दूसरे का, रक्स है। सही बात है, क्यों आप बजेंगी तो मैं उससे वापस आपका एक्को होऊंगा। हम एक आवाज है, हम सुर एक हैं, साज मुख्तलिफ हैं। तो बनाने वाला उसका एक सुर है, उसने साज मुख्तलिफ बनाए, अब हमें अपनी ट्यूनिंग करनी है ताकि सब सही बज सके। यूसुफ साहब, एक बहुत ही खूबसूरत नोट पर आज की गुफ्तगू को एंड करते हैं। वाकई बनाने वाले ने एक सांस के कई सुर बनाए हैं, और हमें उस सांस को, उन सुरों को एक तालमेल के साथ लेकर चलना है, ताकि हमारे हमारी शख्सियत भी कायम रहे और हमारा माशरा भी। आई एम सो थैंकफुल टू यू यूसुफ बशीर कुरैशी साहब फॉर बीइंग विद अस, फॉर गिविंग मी दिस टाइम। आई नो दिस इज अ वेरी क्लोज फैमिली टाइम, जब आप अपना वक्त जो है शहर की मसरूफियत से दूर एक पुरसकून जगह पर जाके गुजारते हैं। ये एक घंटा आज आपने हमारे लिए निकाला, इसके लिए मैं आपकी बहुत मशगूल हूँ। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एज यूजल। विद दिस डियर ऑडियंस, वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। आई नो देर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, आई नो यू पीपल हैव अ लॉट ऑफ लॉट मोर दैट यू वुड लाइक टू हियर। यूसुफ साहब, अगर उन्होंने हमें फिर वापस टाइम दिया तो हम एक दफा फिर उनके साथ एक सेशन करेंगे, एक दफा फिर उन्हें तकलीफ देंगे। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ एपिसोड 7, एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन एज मच एज आई डिड। दिस वॉज अ थॉट प्रोवोकिंग सेशन। थैंक यू सो मच। विद दिस आई साइन ऑफ फ्रॉम बहुत सारा प्यार, बहुत सारे फूल और ढेरों दुआएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हाउ डज इट गो ऑफ नाउ?